हेलो जगदीश कुमार जी। जी हाँ, बोल रहा हूँ। आप कौन? जसजीत सिंह, आपसे अक्सर पार्क में मिलता रहता हूँ। अच्छा, कैसे हैं आप? आप अभी घर पे हैं? मुझे आपसे कुछ काम था। हाँ हाँ, मैं घर पे ही हूँ। आपके पास मेरा एड्रेस तो है ना? जी हाँ। ओह, सत श्री अकाल सरदार जी, कैसे हो? ठीक हूँ। आज मेरी याद कैसे आ गई? दिवाली मुबारक। ओह, शुक्रिया शुक्रिया भाई। आज तो आप बहुत अलग लग रहे हो। बड़ी पगड़ी पहनी है, वो छोटी पार्क वाली नहीं। आज तो आप एकदम सन ऑफ सरदार लग रहे हो। थैंक यू जी। आ जाओ आ जाओ। आप आइए आइए। आज तो सिर्फ 3 नवंबर है, आप दिवाली की मिठाई 10 दिन पहले ही ले आए। हाँ तो मंजीत जी, सब ठीक तो है? जसजीत, ओह सॉरी, जसजीत, सब कुछ ठीक तो है? कुछ दिनों से आप पार्क में भी नहीं दिखाई दिए। सब ठीक है, मैं कुछ दिनों के लिए दिल्ली गया था। दिल्ली? वो कैसे? वहां मैं अपनी माँ से मिलने गया था। कहाँ रहती हैं वो? अब वो मायापुरी में रहती हैं। अच्छा। भाई मैंने इसलिए पूछा कि मैं भी दिल्ली का रहने वाला हूँ। एक जमाने में त्रिलोकपुरी यूथ एसोसिएशन का मेंबर था मैं, और वहीं से मैंने अपना पॉलिटिकल कैरियर शुरू किया था, और उसके बाद बंबई आ गया। ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि अगर हमारी जरूरत पड़े तो बोल देना, बहुत पहुंच है अपनी। जी जरूर। पॉलिटिक्स पे ध्यान है कि कुछ दिनों बाद इलेक्शन है, मुझे वोट देना मत भूलना। सबसे पहले तो ये जो दिवाली से 8-10 दिन पहले से ये लोग पटाखे चलाना शुरू कर देते हैं, इसके खिलाफ कुछ करना पड़ेगा। सालों ने सारी रात नींद हराम कर दी। सॉरी, मैं तो आपसे पूछना ही भूल गया, क्या लोगे, कॉफी या चाय? नहीं जी, कुछ नहीं चाहिए। अरे यार, ऐसा कैसे हो सकता है, पहली बार घर आए हो, कुछ तो लेना पड़ेगा। ठीक है, पानी दे दीजिए। वो क्या है ना जसजीत जी, मेरा नौकर दिवाली के लिए गांव गया हुआ है, और इसीलिए सारे के सारे काम मुझे खुद करने पड़ते हैं। आपको कोई रिप्लेसमेंट का पता हो तो जरा मुझे बताना, आजकल रिप्लेसमेंट भी कहां मिलते हैं। ये क्या हो रहा है जी? मैं चाहता हूं कि आप इसे सुन लीजिए। क्या है इसमें? एक मैसेज है आपके लिए। मेरे लिए मैसेज? आप इसे सुन लीजिए। आप कहते हैं तो सुन लेते हैं। मेरा नाम सतवंत कौर है। अरे ये तो औरत की आवाज है। मैं दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में, चुपचाप सुनिए, अपनी माँ, पिता और 2 भाइयों के साथ खुशी खुशी रहती थी, जब तुम और तुम्हारे दरिंदे साथियों ने 1984 के सिख कत्लेआम में मेरे परिवार को खत्म कर दिया। ये क्या बकवास है? तुम साबित क्या करना चाहते हो? खैरियत इसी में है कि आप इसे पूरा सुन ले। मेरा
मेरा नाम सतवंत कौर है। मैं दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में अपनी माँ, पिता और दो भाइयों के साथ खुशी खुशी रहती थी, जब तुम और तुम्हारे दरिंदे साथियों ने 1984 के सिख कत्लेआम में मेरे परिवार को खत्म कर दिया। 3 नवंबर की सुबह की बात थी, पूरे दिल्ली में कर्फ्यू था और खबर थी कि लोग सिखों को मार रहे थे। हम अपने घर में छुपकर बैठे थे जब तुम लोग आ गए। सबसे पहले तुमने मेरे बड़े भाई के गले में टायर डालकर उसे जिंदा जला दिया। जब तुम मेरी तरफ बढ़े तो मेरे पिता, छोटा भाई और माँ ने मुझे बचाने की बहुत कोशिश की, पर तुम्हारे आदमियों ने मेरी माँ को लोहे की लाठियों से पीट पीट कर मार डाला। मेरा छोटा भाई जो सिर्फ 8 साल का था और मेरे पिताजी जो आर्मी में अफसर थे, उन्हें तुम लोगों ने गद्दार बोलकर जिंदा जला दिया। जब तुम्हारे आदमी मेरे परिवार को तबाह कर रहे थे, उस वक्त तुमने मेरा बलात्कार किया। अगर तुम चाहते थे तो तुम मुझे भी उसी वक्त जान से मार सकते थे, लेकिन तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। पर मैं मरी नहीं, मुझे तुमसे अपना हिसाब लेना था। तुम सोचते थे कि तुम्हारी हैवानियत के बाद सिख कौम मर जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। तुमने जो मेरे साथ किया उसकी वजह से मुझे एक बेटा हुआ, उसे मैंने पढ़ाया लिखाया और तुम्हें मारने के लिए तैयार किया। हमारे गुरुओं ने सिख कौम को संत सिपाही की कौम बनाई है। उन्होंने हमें ये आदेश दिया है कि हम कमजोरों का साथ दें और जुल्म करने वालों के खिलाफ अपना सर उठाएं। वाहे गुरु की इच्छा से वो लड़का अब बड़ा होकर तुम्हारे सामने खड़ा है और मेरा ये संदेश लेकर आया है। हाँ, जसजीत सिंह मेरा बेटा है। अब आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन हैं। या तो आप सीबीआई के पास जाकर सरेंडर कर दें, या फिर मैं जो काम करने आया हूं उसे पूरा कर दूंगा। क्या क्या पूरा कर दोगे? तुम जानते हो ना कि मेरी पहुंच कितनी ऊपर तक है और मेरा उठना बैठना किन लोगों के साथ है और मैं कब से पॉलिटिक्स में हूं। अरे तुम तो ये भी नहीं जानते कि दिल्ली की पॉलिटिक्स में हमारी पहुंच कितनी ऊपर तक है। सोचो, अगर 1984 के 3 दिनों में हमने 5,000 सरदारों को खत्म कर दिया और उसके बाद भी एक भी आदमी हमारे में से जेल नहीं गया, तो किस लिए? क्योंकि हम पावरफुल लोग हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और तेरे जैसा सरदार बेटा, सब कुछ भूल कर जिंदगी जीने में ही तेरी भलाई थी, पर तेरी किस्मत ही खराब है तो मैं क्या कर सकता हूं। मैं तेरा वो हश्र करूंगा कि तू याद रखेगा। कल टीवी वालों को एक नई हेडलाइन मिलेगी, सिख टेररिस्ट किल्ड, और उसके बाद तेरी लाश को भी मैं तेरी मां के पास नहीं जाने दूंगा। और सत्वंत कौर का तो मैं वो हश्र करूंगा कि वो याद रखेगी। मैं बहुत सालों से आपका पीछा कर रहा हूं,
और आपकी हर एक चाल समझता हूँ। लगता है आपको काफी साल हो गए बंदूक चलाए हुए, इसीलिए खाली और भरी हुई बंदूक में आपको फर्क समझ नहीं आ रहा। ये कैसे हुआ? अरे गोलियां तो पूरी हैं। मुझे मत मारो, तुम तो मेरे अपने बेटे हो, मुझे मत मारो। हेलो जगदीश कुमार जी। जी हाँ बोल रहा हूँ, आप कौन? जसजीत सिंह।